सिद्धिर्यः ॐ नमः सिद्धिर्यः ॐ नमः सिद्धिर्यः यदर्चाभावेन प्रमुदित्मना दर्दुर्यः क्षणादासी स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्वत्ता शिवसुख समाजं त्रिमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे प्रथम तीर्थंकर शबदेव भगवान की भगवान महावीर स्वामी की परम पूज गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पनंद सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं एक बड़ी सार्वजनिक समस्या धर्म निरपेक्ष समस्या सार्वकालिक समस्या पूजा इबादत के अलग अलग मजहब होते हैं भगवान की अर्चना के अलग अलग मजहब होते हैं कोई हाथ उठा करके इबादत करता है तो कोई हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है बहुत प्रकार के धर्म हमारे देश में मौजूद हैं सभी धर्मों की पूजन पद्धति अलग है आराधना के केंद्र अलग हैं उपाश्रय अलग हैं मंदिर अलग हैं और जिनालय अलग हैं समझ नहीं आता मुझे कि धर्म के मार्ग अलग अलग हैं लेकिन आज जिस समस्या पर मैं बात कर रहा हूं ऐसा क्रोध जो हिंदू को भी आता है मुसलमान को भी आता है जैन को भी आता है बौद्ध को भी आता है ईसाई को भी आता है पारसी को भी आता है क्रोध ऐसा सार्वजनिक है वह जात पात नहीं देखता है वह यह नहीं देखता है कि ऊंची कौम है या नीची कौम है क्रोध ऐसा है जो पहले भी आता था आज भी आता है भविष्य में भी आता रहेगा सार्वकालिक क्रोध की कोई जात नहीं होती क्रोध का कोई गोत्र नहीं होता क्रोध की कोई सीमाएं नहीं हो सबको क्रोध आता है बच्चों को भी क्रोध आता है बड़ों को भी क्रोध आता है बुजुर्गों को भी क्रोध आता है ज्ञानी को भी क्रोध आता है और अज्ञानी को भी क्रोध आता है संसारी को भी क्रोध आता है और सन्यासी को भी क्रोध आता है कोई इस क्रोध से बचा नहीं है थोड़ी सी बात हुई नाक पर मक्खी बैठी नहीं कि हमारा पारा गर्म हो जाया करता है दिमाग गर्म हो जाया करता है हमारी भाषा बिगड़ जाया करती है हमारे माथे पर क्रोध की रेखाएं खिंच जाती है हमारी आंखें लाल हो जाती है हमारा अंग अंग फड़कना प्रारंभ ये क्रोध के लक्षण है ऐसा कोई बैठा है इस पंडाल में जिसने आज तक गुस्सा नहीं किया मैं उस आत्मा के दर्शन करके धन्य होना चाहता वो तो खड़ा हो जाए जिसने आज तक गुस्सा नहीं किया कोई भी एक बार भी गुस्सा नहीं किया ऐसा कोई है यदि नाम लिखने बैठू तो एक बार भी गुस्सा ना किया हो उसमें पुलक सागर का नाम भी नहीं आ सकता तुम फिर किस खेत की मूली हो ध्यान रखिए तुम तो मूली भी नहीं हो ग्वालियर वाले मामूली हो ध्यान रखिए मूली भी कहा मेरा भी नाम नहीं आ सकता कि मैंने क्रोध ना किया
हर कोई रंगा है क्रोध के रंग में। एक बात याद रखें, आज बैठ करके हम यहां चिंतन करें, मनन करें, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए उपदेश कर रहा हूं। आज के इस प्रवचन में हम भी शामिल हैं, ध्यान रखना। आए क्यों ना हम कुछ ऐसा काम करें अपने जीवन में कि जिंदगी जो है एक रंग भूमि है, पर ना जाने क्यों हम लोग इस रंग भूमि को रणभूमि बना करके जिया करते हैं, क्यों हम इसे कुरुक्षेत्र बना करके जिया करते हैं। भगवान ने रंग भूमि बना करके हमें इस धरती पर भेजा है। जिंदगी एक रंग भूमि होती है, लेकिन आदमी उसे रणभूमि में परिवर्तित कर देता है। शादी होती है, माला डलती है, बारात जाती है, बैंड बजता है, मीठा खिलाया जाता है, ऐसा लगता है ये वरमाला डाल करके जिंदगी को रंगभूमि में बदल देंगे, लेकिन साल भर भी नहीं हो पाता और जिंदगी रणभूमि में परिवर्तित हो जाया करती है। एक साल नहीं हो पाता है, किसी से बात करो, किसी से परिचय करो, शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, परिचय होता है, मालूम है तुम्हें, पहले होता है परिचय, इतनी खुशियां मिलती है। एक अनोन आदमी से परिचय करो, एक अपरिचित आदमी से दोस्ती करो तो बड़ा सुकून मिलता है। पहले हो जाए परिचय, वो परिचय धीरे धीरे बढ़ता है, परिणय शादी में परिवर्तित हो जाता है। पहले परिचय, फिर परिणय, फिर परिणाम, मालूम तीनों की दशा मालूम है तुम्हें। विचार करिए, जब पहली बार मुलाकात होती है तो तू तू रहता है और मैं रहता हूं, और जब शादी हो जाती है तू मैं बन जाता हूं, मैं तू बन जाता हूं, और शादी के कुछ दिन बाद ना मैं रहता हूं ना तू तू रहती है, तू तू मैं शुरू हो जाया करती है। तू तू मैं ये परिणाम है। शादी होती है पहले साल, वाह वाह, दूसरे साल आह आह, तीसरे साल तबाह तबाह, और इसी का नाम है विवाह। ध्यान रखिए, विवाह शब्द बड़ा प्यारा है, वाह वाह भी कराता है, आय आय भी कराता है, सारी खोपड़ी को तबाह करके भी चला जाता है। बचो ऐसी शादियों से, कौन कह रहा महाराज तुमने नहीं करी, हमने करी, लेकिन गुस्सा तो दोनों ही करते हैं। ध्यान रखिए, मकड़ जाल जिंदगी। एक महिला आई, बोली महाराज शांति नहीं है मन में। मैंने कहा क्यों, नहीं जाने क्यों, वो है ना। मैंने कहा वो कौन होता भाई। अरे बोले वो कही, वो क्या है। अरे तुम भी नहीं समझते। मैंने कहा मैं लफड़े समझते ही नहीं। बोले वो यानी पप्पू का पापा। अच्छा, मैंने कहा ये पहली बार सुना कि वो यानी पप्पू का पापा। मैंने कहा तेरा पप्पू अपने पापा का नाम बताएगा तो क्या लिखा, वो कुमार जैन। ध्यान रखिए, ये भारतीय संस्कार है, पत्नियां पति के नाम नहीं लेती है। ग्वालियर वालों की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ की तो बड़े अंदाज से नाम लिया करते हैं। तो बोले वो जो पति है ना बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, मेरा मन भी बड़ा चिड़चिड़ा हो गया है, बात बात पर गुस्सा आता है, कलह होती रहती है घर में। शांति नाम की चीज, पैसा खूब है, नौकर है, चाकर है, बहुत अच्छा फ्लैट ले रखा है, गाड़ी है, कार है, लेकिन मन में शांति नहीं है। मैंने पूछा बहन कितने लोग हैं घर में। बोले काय के लोग। मैंने कहा क्यों। बोले हम दो और हमारे, बोलो दो नहीं एक था उसका, ध्यान दो हुए ही नहीं। बोले हम दो और हमारा एक। तो मैंने कहा तीन प्राणी एक घर में रहते हो
शांति है। बोले यही सोच के तो सेपरेट हुए थे महाराज कि सास ससुर से अलग हो जाएंगे, देवर भाभी से अलग हो जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन हकीकत बताऊं कि जब से हम लोग सेपरेट हुए हैं तब से क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ गया है, घर में अशांति ज्यादा पैदा हो गई है। पहले हम पति पत्नी में बड़ा प्यार था, एक दूसरे से बड़े प्यार से बोला करते थे, लेकिन जब से हमारा परिवार सीमित हुआ है हमारे घर में क्रोध जन्म ले चुका है, हमारे घर में छुंझला बात बात पर गुस्सा आता है। ध्यान रखना, जितना एकल परिवार होगा उतनी अशांति पैदा होगी, और जितना संयुक्त परिवार होगा उतनी शांति पैदा होगी। लगता हमें भले है कि हम अकेले हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, एक बात ध्यान रखना, जो संयुक्त परिवार रहा करते हैं, जो जुड़ा हुआ परिवार ज्वाइंट फैमिली रहा करती है, मैं सोचता हूं कि वहां अशांति कम है, और जहां एकल परिवार है वहां अशांति ज्यादा हो। क्यों? मैंने सोचा है, दावा नहीं कर रहा हूं, गलत भी हो सकता है, मैं ज्यादा घर गृहस्थी के बारे में जानता नहीं हूं। एक आदमी आए, बोले महाराज तुमने शादी नहीं की, तुमने गृहस्थी नहीं बसाई, फिर ये बताओ हमारे घर की बातें तुम जानते कैसे हो? मैंने कहा मैं काय को जानता हूं, तुम ही आते हो, दिन भर बता जाते हो, तुम्हारा सुनते रहता हूं, मेरा प्रवचन तैयार हो जाता है, मैं कहां से लेकर के आऊंगा, मुझे तो मालूम नहीं घर में क्या करते हैं क्या नहीं। प्रशांत भाई सारी रिपोर्ट लंका दे जाती है कमरे में, इसकी लड़की आज मम्मी ने खाना बनाया, आज पापा खाना बना रहे हैं, आज दादी ने नहीं बनाया, आज दादा ने चाय बनाई, सारी रिपोर्ट तुम्हारे बच्चों से मिल जाती है। ललित का मीडिया अलग है और छोटे छोटे बच्चों का अलग है, वो सारी स्टोरी दे जाते हैं दिन भर की, हमारे घर में क्या घट रहा है क्या नहीं घट रहा है। विचार करिए, तुम ही आके बताते हो मेरा पर। एक बात ध्यान रखना, इस संसार को जितना तुम जानते हो उससे ज्यादा सन्यासी जानता है, ध्यान रखिए। घर गृहस्थी को शायद तुम उतना नहीं जानते जितना हम लोग जानते हैं, मालूम है दोनों में अंतर इतना है कि संसार की चीजों को एक संसारी भी जानता है, एक गृहस्थ भी जानता है और एक सन्यासी भी जानता है। फर्क दोनों में इतना होता है कि संसारी उसे जानकर उस गृहस्थी में डूबता है और सन्यासी उसे जानकर गृहस्थी से उबता है, बस दोनों में इतना ही अंतर। यदि संसार को नहीं जाना तो वैराग्य भी सच्चा नहीं हो सकता, ध्यान रखना। तुम घर गृहस्थी में डूबते हो और हम सुन सुन कर घर गृहस्थी से उबते हैं, ध्यान रखिए। संयुक्त परिवार में ज्यादा शांति थी कभी महसूस करना, एकल परिवार ज्यादा अशांत है। ऐसा नहीं है कि जब ज्वाइंट फैमिली थी तो क्रोध नहीं आता था, क्रोध तो उस समय भी आता था, क्रोध एकल परिवार में भी आता है। फर्क इतना पड़ जाता है कि यदि पप्पू को मम्मी गुस्सा करके चाटा मारती थी तो ननद उठाकर ले जाती थी, चाची उठाकर ले जाती थी, अरे कोई बचाए या ना बचाए दादी तो बचा ही लिया करती थी। जब छल छल बच्चों के आंसू पोंछ बहते थे दादी उसे अपनी बाहों में समेट करके कहती थी बेटा मत रो, अपन मम्मी को मारेंगे, ध्यान रखिए अपन मम्मी को देख लेंगे, पापा से बताएंगे। अब विचार करें आप, पहले क्रोध जब भी आता था 50-50 ग्राम बट जाता था, अब उतने मेंबर ही नहीं बटेगा कहां से, घर का सारा क्रोध पत्नी पर निकलता है और पत्नी का सारा क्रोध बच्चे पर निकल जाता। विचार अब कौन संभालेगा, क्योंकि दो ही रहते हो पति पत्नी, पति गुस्सा करेगा तो कौन संभालेगा, और सासू अम्मा तो बचाने आएगी नहीं, देवरानी है नहीं, जिठानी है नहीं, ननद है नहीं, कौन बचाएगा। ज्यादा क्रोध का पारा चढ़ेगा, तलाक के कागज पर साइन होने की तैयारी, बचाने वाला कोई नहीं बचा है, सांत्वना देने वाला कोई नहीं बचा है, हिम्मत देने वाला कोई नहीं बचा है। जब से एकल परिवार हुए हैं तुम्हारे घरों में चोरियां बढ़ गई हैं, ध्यान रखिए। पहले के घर में 12-12 लोग रहते थे, कहा जाता था कि पुराने जमाने में घरों में कभी ताले नहीं डला करते थे, क्योंकि एक पीहर गई है तो एक ससुराल में है, एक बाहर गया है तो
तो इतने ताले डलते हैं, इतने ताले कि मेन गेट का लॉक अलग है, एंट्रेंस गेट का लॉक अलग है, घर के अंदर तिजोरी की चाबी अलग है, अलमारी की चाबी अलग है, और पप्पू का लॉकर अलग है, और पापा का लॉकर। इतने ताले डल गए, मुझे समझ नहीं आता कि बाहर के गेट पे ताला डले तो समझ आता है कि बाहर के चोरों के लिए डला है, घर के भीतर ताले पर ताले, ताले पर ताले। गोदरेज की अलमारी लेना, बाहर ताला अलग है, अंदर ताला अलग है, उसके अंदर एक ताला और है। अरे मैंने कहा इतने ताले क्यों डालते हो भाई? ध्यान रखना, ये ताले बाहर के चोरों के नहीं, नहीं मुझे लगता है कहीं ना कहीं घर के चोरों के लिए घर के अंदर ताले डाले जाते। विचार करिए, संयुक्त परिवार था, जो घरों में ताले ज्यादा डले रहते हैं और जो घर सुबह शाम बंद रहते हैं वहां लक्ष्मी का प्रवेश रुक जाया करता है, और जो घर संयुक्त हुआ करते हैं, जिन घरों में कभी ताले नहीं डलते वहां लक्ष्मी का आवागमन रहता है, वहां रिद्धि सिद्धि बनी रहती है, वहां बरकत बनी रहती है। संयुक्त परिवार में पैसों पैसों के लाले कभी नहीं पड़ा करते हैं, लेकिन एकल परिवार में पैसों की तकलीफें पैदा हो जाया करती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्रोध से बचना है, डिप्रेशन अशांति से बचना है, एकल परिवार की अवधारणा खत्म करिए और संयुक्त परिवार में रहना सीख। बहुत चीजों से बचोगे आप, ताले नहीं डलेगा, चोरी की दिक्कत ही नहीं। अब चोर भी, पहले चोर रात में आते थे, अब दिन दहाड़े चोर आते हैं, क्योंकि मालूम है पति ऑफिस गया है, घर में अकेली पत्नी है, रस्सी से बांधेगा वो सामने सब उठा करके, कुछ नहीं कर पा, बचाने वाला है। पड़ोसी के भरोसे मत बैठो, चोरों को रास्ता तो वही बता रहा है कि अंदर कैसे जाना है, इसके घर में ध्यान रखिए। कोई किसी को नहीं पहचानता, बंबई में जाओ पड़ोस में कौन रहता है कोई जानता नहीं है, ध्यान रखिए। इस शहर में कोई किसी को नहीं जानता, नंबर लगे हुए हैं हर किसी के दरवाजे पर, ध्यान रखिए। आदमी की पहचान नहीं बची, अब फ्लैट नंबर से आदमी जाना जाता है। पहले बोला जाता था यहाँ जैन साहब रहते हैं, यहाँ राजपूत साहब रहते हैं, यहाँ ब्राह्मण देव रहते हैं, अब बोला जाता है यहाँ 201 नंबर रहता है, यहाँ 301 नंबर रहता है, यहाँ 420 नंबर रहता है। नंबरों से पहचान हो गई आदमी की, आदमी आदमी को पहचानता। ये एकल परिवार के दुष्परिणाम है आपके जीवन में। संयुक्त परिवार में क्रोध बट जाएगा। एक बच्चा आया, बोले महाराज ये आजकल की मम्मियां ज्यादा पीटती क्यों है? इनका क्या मतलब, बड़े थोड़ी सी गलती हो तड़ातड़ बच्चे पर पड़ती है। मैंने कहा हां बेटा, पहले की महिलाएं गुस्सा आ जाता था, और हकीकत बताऊं मजे की बात, गुस्सा हमेशा नीचे वालों पर आता है, ऊपर वालों को कभी नहीं आता है। ऑफिस में बॉस गुस्सा करेगा तो आदमी गुस्सा कहां निकालेगा, मालिक को तो जवाब दे नहीं सकता, भन भनाता घर में आता है, रात ही साथ सारा गुस्सा किसमें निकलता है? बोलो डर क्यों रहे, बोल दो ना दिलेरी से, सुधर थोड़ी गए हो तुम इतने। बाहर का गुस्सा पत्नी, अब पत्नी क्या करे बेचारी, पति से भिड़ नहीं सकती, सारा गुस्सा दिमाग में भरकर जीती है। शाम को स्कूल से बच्चा आता है, तड़ातड़ बच्चे पर पड़ते हैं, मालिक का गुस्सा पति पर, पति का गुस्सा पत्नी पर, पत्नी का गुस्सा पर। अब बच्चा क्या करे, वो माँ बाप को कुछ बोल नहीं सकता है, वो खिलौने तोड़ता है, खिलौने नहीं तोड़ेगा तो काम वाली पर गुस्सा निकालेगा, और काम वाली अब क्या करे, ये कहां गुस्सा निकाले, वो उठा करके बर्तनों पर सारा गुस्सा, इतनी जोर से बर्तन मलेगी। ध्यान रखना, बर्तन ज्यादा साफ कराना हो काम वाली को गुस्सा दिला देना, लेकिन ये सोच के रखना चाइना बोन के बर्तन मत रखना, नहीं तो निपटा देगी, दो टुकड़े हो जाएंगे। जब पीतल के मांज रही हो स्टील के, तभी गुस्सा दिलाना, और वह सारा गुस्सा या तो बर्तन पर निकालेगी या कपड़े पर निकालेगी। पहले की महिलाओं को गुस्सा आता था ना तो कपड़े लेकर नदी में जाती थी और इतनी जोर जोर से पीटती थी उस कपड़े को,
कि सारा क्रोध कपड़े पर निकल जाता था। मैंने कहा बेटा मम्मियां आजकल इसलिए ज्यादा मारती हैं कि घर का गुस्सा, कपड़े तो ये धोती नहीं है, बर्तन साफ करने वाली अलग से आती है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन लगा रखी है, अब ये किसको धोए। रामलाल पप्पू तू ही बचता है, तू ही इनसे बेटे रहता, सारा क्रोध तेरे ऊपर निकल। लड़ते पति पत्नी है, पिटता पप्पू है, पोकट में मरता बिचारा, उसका क्या लेना देना, तुम झगड़ रहे, तुम लड़ रहे हो, लेकिन सारा क्रोध किस पर निकलता है, बच्चे पर निकलता। ध्यान रखिए, क्रोध बहुत खराब। जहां चार बर्तन होते हैं, मां खटपट तो डरते, क्यों मेरा गला फड़वा रही है, तुम इतना होने के बाद भी कह रही, वो तो खटपट तो होगी, तुम लाख कोशिश कर लो, कितना भी बोलो, चार बर्तन है तो खटपट तो, हम सुधरने वाले नहीं। अरे भाई मत होने दो ये खटपट, रोकिए बर्तनों की टकराहट को। चार बर्तन हो या हजार बर्तन हो, आवाज पैदा मत होने दीजिए, बहुत कठिन काम। झगड़े किसके घर में नहीं होते, कोई घर है जिसमें झगड़े नहीं हुए हो? अरे अपन लोग तो साधारण लोग हैं। महापुरुषों के घर में झगड़े होते थे, दशरथ के घर में झगड़ा नहीं होता तो राम जी को वनवास कहां से होता, ये झगड़ा ही तो था और क्या था। कौरव पांडव के बीच झगड़ा नहीं था तो और क्या था, भरत बाहुबली के बीच झगड़ा नहीं था तो और क्या था, महापुरुषों के घर में भी झगड़े हुआ करते हैं। ध्यान रखना, झगड़ा होना कोई बुरी बात नहीं है, हर घरों में झगड़े होते हैं, लेकिन आपसे मैं कह रहा हूं झगड़ा होना बुरी बात नहीं, लेकिन झगड़ने के बाद बैर और दुश्मनी रखना ये बुरी बात हुआ करती है। लड़ लीजिए, झगड़ लीजिए, कुछ भी हो जाए, आपस की बोल चाल कभी बंद मत करो, और जो लोग बोल चाल बंद कर देते हैं उनका झगड़ा बैर का रूप बन जाया करता है, उनका झगड़ा क्रोध, उनका जो क्रोध होता है वह दुश्मनी में परिवर्तित है। दुश्मनी मत करिए, कोई बात नहीं, चार तुमने कहा, चार उसने कहा, कह लो, शाम को बोल दो अम्मा जी जय जी जय। ध्यान रखिए, बोला चाली बंद मत करो। बच्चे भी तो लड़ते हैं ना, लड़ते हैं, उठाते हैं, पटकते हैं, बाल खींचते हैं, मारते हैं, घंटे भर बाद वो गले में हाथ डालकर फिर भूल जाया, भूल जाइए हमारा किसी से झगड़ा है, किसी ने हमको कुछ कहा है। ध्यान रखना, पागलखाने में देखना कभी जाना, भगवान किसी को मौका ना दे, लेकिन कभी पागलखाने में जाकर देखना, आदमी पागल ज्यादा मिलते हैं, महिलाएं कम मिलती हैं, मालूम है क्यों? बहुत कम मिलेंगी, यदि 40 आदमी होंगे तो 10 महिला ही पागल होगी। आदमी ज्यादा पागल दिखते हैं, आदमी को ज्यादा टेंशन होता है, पागलों की संख्या देखोगे तो पुरुष पागल ज्यादा है, महिला पागल कम है। क्यों मालूम है महिलाएं पागल कम क्यों होती हैं? बोलो, आदमी पागल ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि महिलाएं तो वो होती हैं जो हर 10 मिनट में पागल हो जाती हैं। ध्यान रखना, आदमी इकट्ठा होता है थोक के भाव में, ये तो बात बात में पागल हो जाती हैं, क्रोध आ गया अपने आप में काबू में नहीं रही, इनका पागलपन टुकड़ों में आता है, ये दिन में कई बार पागल होती है, आदमी टुकड़ों में नहीं आता, आदमी एक साथ पागल होता है, इसलिए उनकी संख्या पागल खाने में जा टुकड़े टुकड़े में छोटी छोटी बात में पागल हो जाती है। पागल हो जाना अच्छी बात है, क्योंकि ये अपने गुवार को निकाल दिया करती है, और आदमी अपने गुवार को सीने में दबा के रखता है, इसलिए जब निकलता है तो एक साथ विस्फोट। ये तो कितनी बार पागल, तुमने कहा साड़ी नहीं लाएंगे, हो गई पागल, ये आंसुओं की धार, मर गई, कहां पटक दिया मुझे, पागल हो गई थोड़ी देर के लिए। ध्यान रखना, क्रोध तात्कालिक पागलपन है। महिलाएं बहुत अच्छी है, चार सुना लेती हैं, बढ़ चढ़ के सुनाएंगी, शाम को पति आएगा तो रो रो के बता भी देंगी, सारा गुबार निकाल देंगी। ध्यान रख, इसलिए ज्यादा पागल नहीं हुआ करती है। और ध्यान रखना, ये महिलाएं
दो कान से सुनती हैं, एक मुंह से निकाल देती हैं। महिला को चैन ही नहीं पड़ेगा जब तक बता नहीं लेगी, जब तक बोल नहीं देगी। इसलिए ध्यान रखना, कुछ आदतें तो इनकी बहुत अच्छी हुआ करती हैं। ध्यान रखिए, आदमी दिल की बातें दिल में रखता है, और जो लोग दिल में रखते हैं उनका क्रोध दुश्मनी का कारण बन जाया करता है। महिलाएं तो कहके साफ हो जाती हैं, जो मुंह फट होती हैं, चार बात बोली मन साफ हो गया, मन क्लीन हो गया। मन के मंदर गांठ बना करके मत रखिए, कोई बात नहीं है, आया जुबान पे बोल दिया, उसके बाद माफी मांग लिया करो। एक बात ध्यान रखना, ये क्षण भर का क्रोध सब कुछ तबाह कर देता है। एक बात स्मरण में रखिए, यदि गुस्से को वक्त पे ठंडा ना किया तो गुस्सा तुम्हारे घर को जला करके राख कर देगा। वक्त पे इसे ठंडा कर ली, और बिना सिर पैर की बातों के झगड़े होते हैं। 90% लड़ाइयां जिनका कोई औचित्य नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, 90% झगड़े बेकार के झगड़े हैं। पति पत्नी में झगड़ा हुआ सवेरे सवेरे, रात के 12 बजे से लड़ रहे हैं। मेरे कमरे में आवाज आई, मैंने ब्रह्मचारी से कहा जरा देखो बाजू में महाभारत क्यों शुरू हो गई। सुबह सुबह पति पत्नी लड़ते लड़ते आंगन में आ गए। आंगन में आए, मैंने खड़े होके देखा, मैंने कहा क्यों लड़ क्यों रहे हो? अरे बोले तुम देख रहे हो क्या? नहीं, मैंने कहा मैं अंधा और बहरा हूं, मुझे कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता है। मैंने कहा ये बताओ झगड़ क्यों रहे हो? बोले आप तो महाराज अपना ध्यान सामायिक करो। मैंने कहा तुम करने दो, जब तो भाई सुबह सुबह से गाली गलौच हो रहे हैं, बर्तन फेंकने की आवाज आ रही है, इधर से बर्तन फेंके जा रहे हैं, वहां से बेलन फेंका, ऐसा क्या हो गया? ये धर्म ध्यान का समय है, प्रभु के स्मरण का समय है, और सुबह सुबह तुम लोग झगड़ा कर रहे हो। बोले महाराज 50 बार इसको समझा चुका। पत्नी बोली है क्या समझाएगा तू? जब क्रोध आता है तो फिर तू तड़ाक शुरू हो जाता है, आप और हम जैसे शब्द तो खत्म हो जाते। बोले तू क्या कर लेगा? पत्नी पति ने कहा मैं सब कुछ कर लूंगा, देखो महाराज तुम्हारे सामने जुबान चला रही है। अरे मेरे का शांत हो जा देवी, ये बता झगड़ा किस बात का है? बोले कुछ नहीं महाराज, छोटी सी बात पे झगड़ा हो गया, पूरी रात हो गई लड़ते लड़ते। मेरे किस बात का झगड़ा है मेरे भाई? बोले कुछ नहीं, मैंने इनसे 50 बार कहा मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। अब देखो झगड़े, देखो बिना सिर पैर के झगड़े, कोई दम नहीं है। 90% झगड़े ऐसे ही हमारे घर में है। और पति ने बोला खबरदार मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, इसको लेके झगड़े। मैंने कहा क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? बेटे को बुलाओ, उससे पूछो वो डॉक्टर बनेगा या नहीं। तुम ही लड़े जा रहे हो फोकट में, बच्चे की इच्छा तो पूछो। पति ने पत्नी को देखा, पत्नी ने पति को देखा, हंसी आई, सिर झुकाया। मैंने कहा कहाँ है बेटे को बुलाओ, वो क्या बनना चाहता है? बोले बेटा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। तेरे की आदत। बोले अभी तो मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा किया तुमने। सास ने कहा मलाई यही खाई जाएगी। बहू ने कहा है बुढ़िया मलाई मेरे पीहर जाएगी। ज्यादा गांव के गांव में शादी करो तो यही झगड़े होते हैं। बोले मलाई मेरे पीहर जाएगी। सास ने कहा मैं देखती हूँ कैसे पीहर जाएगी, मलाई किसी घर में खाई जाएगी। बहू ने कहा दहेज मेरे बाप ने दिया है, तेरे बाप ने नहीं, ध्यान रख बुढ़िया मलाई तो मेरे बाप के घर जाएगी। इतना झगड़ा, ससुर जी लौट के आए। ससुर जी ने कहा क्यों लड़ रही हो सास बहू? बोले सुनो जी बहू को समझा लो, शादी होके आई है, कह रही है कि मलाई पीहर जाएगी। सास ससुर ने कहा तू क्या चाहती है? बोले मैं चाहती हूँ मलाई यही खाई जाएगी। ससुर ने कहा इधर ला मलाई, ना तू खा ना तू खा मैं खाता हूँ, इधर लेके आ मलाई। बोले कि मलाई लेकर आ पहले। सास अंदर गई, बहू अपने कमरे में गई। ससुर ने कहा क्या हो रही, तुम लोगों ने सुना नहीं, मलाई लेकर आओ। बोले काय की मलाई? बोले क्यों? बोले हम दोनों बैठ के बातें कर रहे थे भैंस खरीदना, देखो तो ये लड़ाई है, अभी भैंस नहीं आई, दूध आया ही नहीं, मलाई के झगड़े शुरू हो गए। बिना सिर पैर के झगड़े ये तुम्हारे, कोई सवाल? ये सपने, भविष्य के सपने देख रहे हो,
उसी में लड़ रहे हो। यदि अपनी लड़ाइयों पर ध्यान दो, इन बचकानी हरकतों के सिवा लड़ाई होती क्या है? हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा, उसे जमीन नहीं मिलेगी, वो क्या करेगा, वो भाई ले लेगा मुझे। तेरे की कितना सोच सोच के झगड़ा करते। मुल्ला नसरुद्दीन ग्वालियर से दिल्ली जा रहा था, पत्नी को बोला कि नाश्ता आस्ता रख दे, मैं 8 दिन में लौटूंगा। तो पत्नी ने कहा अच्छी बात है, मैंने सब लगा दिया है, कपड़े अपड़े रख दिए। बोले रख दिए। बोले यारी गुलाबो। उसने कहा बोलो मुल्ला। बोले वो लड़के को और बोला। बोले क्यों, उसे ले जाओगे? अरे काय को ले जाऊंगा, बुला के ला। पत्नी भीतर गई, बच्चे को उठा के लाई, सो रहा था। मुल्ला ने कहा इधर 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 दिए 8-10 चाटे, तड़ा तड़ तड़ा तड़। गुलाबो ने कहा तुमको शर्म नहीं आती? तुम 8 दिन को परदेश जा रहे, बच्चे को चूमो, प्यार करो, उसे गले से लगाओ, तुम तड़ा तड़। बोले तू बीच में मत बोल, आज इसे जी भर के पीट लेने दे। अरे बोले तू मार काहे को रहा है? बोले पगली तुझे अकल नहीं है? बोले क्या? बोले आज मैं जा रहा हूं। बोले हाँ जा रहे हो तो प्यार करो उसे। बोले नहीं, रूल लेके आज इसको बहुत पीटूंगा। बोले क्यों? बोले कल इसका रिजल्ट आएगा और मुझे मालूम है फेल होगा, और मैं 8 दिन रहूंगा नहीं तो इसे मारेगा कौन? तेरे की हाथ में विचार करिए, किन बातों पे लड़ते झगड़ते। एक बच्चा आया, बोले महाराज मेरे मम्मी पापा बहुत झगड़ते हैं, बहुत लड़ाई करते हैं, बहुत क्रोध करते हैं, बताओ मैं क्या करूं? मैंने कहा हाँ बेटा तू समझदार, तू कुछ कर। बोले मैं कुछ बोलता हूं तो दोनों जगह से पिटता हूं, इधर से भी पड़ती है और उधर से भी पड़ती है, और तो और महाराज मेरे मम्मी पापा अनबोले हो जाएं, एक दूसरे से नहीं बोलते हैं, आफत मेरी होती है। मैंने कहा क्यों? मम्मी कहती है पप्पू पापा को बोलो चाय बन गई, और पापा को सुनाई दे रहा है लेकिन डायरेक्ट नहीं बोलेगी, झगड़ा हुआ है ना। पापा भी ये नहीं कहेगा कि पीना है कि नहीं पीना, वो भी कहेगा पप्पू मना कर दे। अब बोले पप्पू की जान क्यों खा रहे हो दोनों मिलकर के, खाना चाहिए पप्पू, मम्मी को बोल खाना लाए, वो कहेगी पापा को बोलो अभी नहीं बना। दर तेरे की, बोले मैं फोकट की नौकरी कर दे, मैं इस कमरे में जाऊं उस कमरे में जाऊं। तो महाराज इतने होशियार है, इतनी जोर से बोलते सुनाई तो दे जाता है लेकिन आमने सामने बोल। एक बार नैनीचंद की बीवी से झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा, नैमीचंद ने कहा मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। पत्नी ने कहा बाहर में जा, मैं भी तेरे से बात नहीं करूंगी, तू क्या समझता अपने आप को। अब नैमीचंद को जाना पूना लड़के के घर, नैमीचंद ने रात को 12 बजे भैयावती करके यहां से गए, कहा यार जाना तो है और मेरी नींद बड़ी खराब है। तो इनने एक पेन से कागज में लिखा कि सुबह 5 बजे पूना की ट्रेन पकड़ना, तू मुझे उठा देना, और लिख करके कागज पत्नी के सिरहाने रख दिया। पत्नी सोई, थोड़ी देर बाद नींद खुली, अरे कुछ लिखा है? बोले ठीक है। नैमीचंद की नींद खुली 8 बजे। इनने कहा क्यों री तूने जगाया नहीं मुझे? पत्नी ने कहा जगाया तो था, तुम उठे ही नहीं। बोले अरे मैं तेरे से बात नहीं करना चाहता। बोले मैं कौन सा करना चाहती हूं? बोले मेरी ट्रेन निकल गई, उठा देती तो क्या बिगड़ जाता तेरा? बोले उठाया तो था। बोले कहां उठाया? बोले तूने बोला था कि मुझे उठाना। बोले देख चिट लिख के दी थी। पत्नी ने कहा देख मैंने भी लिख दी, 5 बज गए उठ जा। अकड़ नहीं जाएगी, मैंने भी लिख के रख दी थी कि 5 बज गए, मैं भी चंद उठो, ट्रेन निकल गई तुम्हारी। विचार करी आदमी की जिंदगी। बोले महाराज मैं क्या करूं? मैंने कहा एक काम करना, अब जब तेरे घर में झगड़ा हो ना, तो बोले रोज होता है मेरे घर में झगड़ा। मैंने कहा तेरे पास मोबाइल है? बोले है। मैंने कहा जब ये दोनों लड़े ना मम्मी पापा, रिकॉर्डिंग कर लेना, और वो चुपचाप रिकॉर्डिंग करना, पता नहीं चलना चाहिए। तो बोले उससे क्या होगा, सुधर जाएंगे क्या दोनों? मैंने कहा ऐसे नहीं सुधरेंगे वो, तो क्या करना? और मैंने कहा जब दोनों शांत हो जाए, वो घर में कोई मेहमान आए,
समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। जो रिकॉर्डिंग की है उसे चालू कर देना, स्पीकर लगा देना उसमें। बोले उससे क्या होगा, इनका मेहमान सुनेंगे कि हमारे यहाँ ये तूफान चलता है दिन भर, ध्यान रखिए। फिर पापा को पता चलेगा कि क्रोध में मैंने क्या क्या बका है, और माँ को पता चलेगा कि मैंने क्या क्या बका है। एक बात याद रखना बेटा, मम्मी कितना भी इशारा करे देखना मत, पूरा मोबाइल चालू कर देना और सुनाना कि कितनी गालियां बकी हैं। हालत पतली हो जाएगी मेहमान के सामने, तो फिर माँ बाप लड़ने में एक बार सोचेंगे कि कहीं ना कहीं मोबाइल चालू करो। नहीं, ध्यान रख, सोचिए आप खुद अकेले में सुनना कि आप क्रोध में क्या क्या बकते हैं। ध्यान रखिए, क्रोध जब भी आता है होश की हत्या करके आता है। ध्यान रखिए, होश की हत्या करता है क्रोध, एक पागलपन हुआ करता है। ऐसा पागलपन भाषा को बिगाड़ दिया करता है। ध्यान रखिए, कभी अकेले में सोचना कि तुमने क्रोध में क्या क्या बका था। एक पत्नी ने गुस्सा में गालियां बक दी पति को, क्रोध अंधा होता है, वह जीवन में कुछ नहीं देखता है, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन इज्जत वाला कौन बेइज्जत वाला, किसका हमें सम्मान करना चाहिए किसका नहीं करना, क्रोध सब भुला देता है। बहुत खतरनाक होता है ये क्रोध। मैंने बच्चे से कहा, एक कान में मंत्र दिया मैंने, मैंने कहा एक मंत्र पढ़ना तेरी मम्मी पापा का। बोले महाराज 8 दिन से बोल नहीं रहे हैं आपस में, जल्दी कुछ कर दो कि वो दोनों बोलने लगे। मैंने कहा एक काम कर, घर जाना। और मैंने उसे सिखाया, मैंने कहा तेरी मम्मी तुझे प्यार करती है? बोले बहुत प्यार करती है। पापा बोले वो भी प्यार करते हैं, लेकिन दोनों आपस में प्यार नहीं करते। मैंने कहा एक काम करना, घर जाना। जैसे ही घर गया, जाके मम्मी से बोलना, मम्मी पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। उसने जाके जैसे ही बोला, मम्मी मम्मी पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, मम्मी ने कहा चल है मजाक करता है। नहीं मम्मी, तुम्हारी कसम पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, बस तेरे पापा मुझे प्यार करेंगे। क्या बताओ मम्मी, तुम विश्वास नहीं करती हो। दौड़ा दौड़ा पापा के पास गया, पापा पापा, बोले क्या? बोले मम्मी ने आई लव यू बोला है। चल तेरी मम्मी आई लव यू बोलेगी, कुत्ते को बोल देगी, मुझे नहीं बोलेगी। अरे बोले नहीं, याद किया मम्मी बहुत प्यार करती है तुमको। बच्चा गया, बोले मामला सुधर नहीं रहा है, दोनों विश्वास नहीं कर रहे। बच्चे ने गाना शुरू किया, मम्मी को पापा से, आगे का बोलो ना, कितने जल्दी बोले नैमी चंद, प्यार है मम्मी को पापा से, प्यार है पापा को मम्मी से। दोनों आमने सामने के रूम में थे, उनने देखा ये बड़ा नटखट कर रहा है, दरवाजा खोला। पापा ने बोला क्या रे, क्या कर रहा है? मम्मी ने कहा खोला दरवाजा। बोले बताओ तुम दोनों आपस में प्यार करते? नहीं। बोले नहीं करते है। बोले मुझे प्यार करते हो कि नहीं करते हो? बोले तुझे तो बहुत प्यार करते हैं। तो बच्चे ने कहा एक काम करो मम्मी, एक गाल में किस तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हारा बहुत प्यारा हूँ। बोले हाँ बेटा, तुझे तो बहुत प्यार करती, पापा तुम पप्पी दे दो। उधर से मम्मी ने दी, इधर से पप्पू ने दी, पप्पू नीचे से खिसक गया। पति पत्नी ने देखा, रब ने बना दी। ध्यान रखिए, लड़ लो झगड़ लो, समझ गए क्या? आज बच्चे नहीं आए, मैं सिखा दूंगा कैसे दोस्ती कराना है इनकी। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पागल हो जाता है आदमी, अदालत पहुंच गया, तलाक। पत्नी ने कहा तलाक फाइनल। जज ने कहा चलो फैसला करो, एक बार और सोच लो। पति पत्नी ने कहा सोच लिया जज साहब, तलाक मंजूर की जाए। तो बोले क्या चाहते हो? बोले संपत्ति का आधा आधा बंटवारा करो। बोले ठीक है, आधा मकान तेरा, आधा मकान तेरा, और क्या है तुम्हारे पास? जमीन है, आधी जमीन तेरी आधी जमीन तेरी, और क्या है? बोले सोना चांदी है। बोले आधा तुम ले लो आधा तुम ले लो, फैसला हो गया। बोले और क्या है?
बोले एक बेटा है। अब जज साहब सोच में पड़ गए, ध्यान रखना सामान तो बट गया, अब बेटा कैसे बांटे। जज साहब ने कहा ऐसा करो आधा तुम ले लो आधा तुम ले लो। पति पत्नी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है जज साहब, इसको आधा कैसे करें काट करके। वो कर दिया तो ना मेरे काम का ना इसके काम का, फैसला करिए। जज सोच में पड़ गया फैसला कैसे करूं, बोले आधा आधा बंटवारा होना चाहिए। वकील हार गए जज हार गए, पत्नी कटघरे से उतरी, पति का हाथ पकड़ा, बोले क्या, बोले तलाक एक साल बाद। कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा, बोले चलो वापस, बोले क्यों, बोले इतने लड़े थोड़ा और लड़ लेंगे, साल भर का इंतजार करो बराबर बराबर का हिस्सा मिलेगा। ध्यान रखिए मान्यवर लड़ो। मैं ये बिल्कुल गलत फहमी में नहीं रहता हूं कि मेरे प्रवचन के बाद तुम्हारे क्रोध खत्म हो जाएंगे तुम्हारे झगड़े। अरे लड़ो लेकिन ऐसे लड़ो जिस लड़ाई में प्रेम और मनोहार होता है वो क्रोध क्रोध नहीं होता, वो भीतर का प्यार हुआ करता है। मनोहार भीतर का स्नेह रखिए। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पत्नी ने कहा मैं चली भी है, पति को मालूम है मुल्ला की दौड़ जाएगी कहां। पति ने कहा मामला गरम है बहुत, आओ मैं अटैची लगाने लगी साड़ी भरने लगी जल्दी जल्दी तहवी बना, ये उठाई दिखा दिखा के और भर रही कि अब मैं जा रही हूँ, एक घंटे से ऑफिस गया था जब पैकिंग नहीं की, उसको दिखाएगी सामान पैक। पति ने कहा क्या हुआ, चली ना बिहार अब कभी नहीं आऊंगी ध्यान रखना तुम। पति ने कहा बिहार जा रही है, बोले हाँ, बोले बहुत दिन से मैं भी अपनी ससुराल नहीं गया। बोले क्या मतलब है, बोले चल अरे बोले तेरे साथ नहीं जाऊंगी। बोले मैं कब कह रहा हूं तेरे साथ जाऊं, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूं। एक बात बता, जब तू 20 साल से अपनी ससुराल में रह रही है तो मैं दो दिन अपनी ससुराल में नहीं रह सकता क्या। चल बच्चे भी नाना नानी से मिलाएंगे मामा मामी से मिलाएंगे, और वो तेरे कंजूस बाप ने बहुत दिन से टीका भी नहीं किया है मेरा, चल कुछ दिन वहीं रहेंगे, तू भी रहे और मैं भी रहूंगी, और पति भी अटैची लगाने को तैयार है। अरे पत्नी ने कहा भाले भोलेनाथ तू मेरे साथ क्यों चल रहा भोलू राम। पत्नी ने कहा यार तू भी बड़ा भोला भाला है। बोले नहीं पगली तू भाला है मैं भोला। बोले क्या मतलब, यदि तू भी भाला मैं भी भाला तो कैसे काम चलेगा, इसलिए जब तू भाला बनती है तो मैं भोला बन जाता हूं, और जब तो मैं भाला बनूं तो तू भोली बन जा। ध्यान रख, इस बाप बेटे डाइनिंग टेबल खाना खा रहे, अनबन हो गई, कैसे अपने घरों को संभाले, खा रहा है बेटा बाप से अनबन हो गई, बेटे ने कहा नहीं खाऊंगा तुम्हारे साथ, अपनी थाली ली डाइनिंग टेबल से उठाई दूसरे कमरे में जाके खाने लगा। पापा ने कहा बच्चे का पारा गर्म है, बच्चों को बच्चा मत समझो। पापा गए, पापा ने कहा मेरे साथ नहीं खाएगा। बोले नहीं खाऊंगा तुम्हारे साथ, तुम ऐसे ही परेशान करते हो मुझे। बाप ने कहा बोल तू रोज मेरे साथ खाता है कि नहीं। बोले खाता था, बहुत बड़ी गलती थी, अब नहीं करूंगा ये गलती, अब तुम्हारे साथ तो कभी खाना नहीं खाऊंगा। पापा ने कहा बोल तू मेरे साथ कितने साल से खा रहा है। बोले बचपन से खा रहा हूं। बोले बेटा बाप का कर्ज सर पे चढ़ा रहा है, एक काम कर तू मेरे साथ नहीं खाएगा। बोले नहीं, बोले आज मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा, तू मेरे साथ खाया ना खा लेकिन आज तेरा पापा भूखा रहेगा, आज ये तेरे साथ खाना। ध्यान रखना एक गरम तो एक नरम तो होना ही पड़ेगा, और यदि दोनों गरम है तो घर को आग लगने में ज्यादा देर नहीं, एक को नरम बनना ही पड़ेगा, एक गरम होता है दूसरा नरम हो जाए, लेकिन यदि तुम भी गरम और वो भी गरम, ध्यान रखना आपकी फैक्ट्री में आपकी दुकान में आपके घरों में एक वो होता है ना आग लग जाए तो बुझाने वाला, मल्टी में भी लगा रहता है फायर नहीं होता।
अग्नि स्तंभन यंत्र होता है लाल वाला, फैक्ट्री में फ्लैट वाले सिस्टम, अपार्टमेंट में जाओ तो पूरी बिल्डिंग में लगा रहता है। क्यों लगा रहता है बताइए जरा, क्यों लगाते हो फैक्ट्री में, दुकान में क्यों लगाते रखते हो, बोलो कौन बोल, दिखावे के लिए, दिखावे के लिए नहीं लगाते हैं। ये भय बना रहता है कि मेरी फैक्ट्री में कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कभी भी आग लग सकती है, और जब तक फायर ब्रिगेड वाले आएंगे जितना बन पड़ेगा मैं इस आग को बुझाने का प्रयास करूंगा। विचार करिए, वह अग्निशामक यंत्र इसीलिए लगा है कि कभी भी आग भड़क सकती है, इसे बुझाना पड़ेगा। और वही मैं कह रहा हूं ग्वालियर वालों, तुम्हारे मन में भी क्रोध की चिंगारियां सुलग रही हैं, कभी भी भड़क सकती है, एक समझदारी का अग्निशामक यंत्र अपने दिमाग में जरूर लगा करके रखा करो। एक शांति की जल की व्यवस्था करो, अग्नि बुझाने के पानी की व्यवस्था करिए, कभी भी आग लग सकती है। किस बात पर क्रोध की चिंगारी भड़क जाए कुछ कह नहीं सकते हैं, हमेशा समझदारी का जल अपने पास रखो। पड़ोसियों के भरोसे मत बैठो, पड़ोसी तो इंतजार कर रहा कि कब आग लगे और कब पेट्रोल, वो पानी नहीं डालेगा और पेट्रोल डाल देगा, हो जाए तुम्हारा सत्य। ध्यान रखिए, एक समझदारी का पानी। एक बात याद रखिए, घर में एक सदस्य अंगार बनता है तो दूसरे को जलधार बनना चाहिए। एक बात याद रखना, आग का आग की समस्या आग जब भी शांत होगी पानी से होती है, और क्रोध जब भी शांत होगा समझदारी से क्रोध शांत हुआ करता है, ना समझी से क्रोध कभी शांत। ये पंडित जी कहां गए, एससी जैन ज्योतिषाचार नहीं आए, आए हो बैठ गया, जय हो तुम्हारी। शादी कराते हैं, फेरे डलवाते हैं, सात वचन लेते हैं, प्रशांत तुम्हारी शादी हो गई, सात वचन लिए थे, कौन कौन से थे बताने, नहीं मालूम, एक भी याद नहीं, तो झूठी कसम खा रहा था वहां बैठ के। ये है सात वचनों की दशा। एक से मैंने पूछा कौन कौन से सात वचन थे, बोले नहीं मालूम, तो मैंने कहा बोले क्या थे तूने मंडप में, पत्नी बोली मैंने कहा है तो बोले, वो रामकांत पंडित बोल रहा था और वो बोला मैं तो मनी मन के रही थी जल्दी कर जल्दी फेरा डले और हम जाए, कहा तू सात वचनों में लगा। किसी को सात वचन याद नहीं है। मान्यवर मैं आपसे निवेदन करता हूं, क्यों नहीं वो दकिया नूसी वाले सात वचन बदल दो, ज्योतिषाचार सात वचन नए बना दो, नए बना के दूंगा मैं। अब शादी हो जब भी कुंडली मिले फेरे डले सात वचन बदल देना, सात वचन में एक वचन ये भी रखना कि देख हम सब दाम्पत्य जीवन में बन रहे हैं, जिंदगी भर के रिश्ते हैं, राज एक वचन लेते हैं कि हमारे शादी के बाद यदि मैं अंगार बनूंगा तो तू जलधार बनना, और तू जलधार तू अंगार बने तो मैं जलधार, ये वचन निभाइए, ध्यान रखिए, संकल्प करिए, सासू अंगार बने तो बहू जल की धारा बन जाए, सासू ज्वाला वाई बने तो बहू को शांति भाई बन जाना चाहिए। तुम्हारे घर में आग कभी ना लगेगी, तुम्हारे घर कभी ना उजड़ पाएंगे, ये वचन निभा। और पुरुषों से मेरा निवेदन है, ये बिचारी तुम दस बार आग बनते हो, ये बिचारी दस बार जलधार बनते हैं, ध्यान रखना। हजार बार तुम गुस्सा करो सुन लेती है, चार लोगों के सामने करो चुप हो जाती है, कोई बात नहीं सुन, समझदार है। लेकिन वो भी एक नारी है, उसकी भी एक भावनाएं हैं। मैं पुरुषों से निवेदन करता हूं कि यदि सौ बार तुम आग बनते हो, सौ बार ये पानी बनती है, तो दिन भर में एक बार आग बनने का मौका इसको भी दिया करो, और तुम भी पानी बनने की कोशिश किया करो। हमेशा ये पानी बनती रहेगी क्या, एक आध बार तो आग बनने का सौभाग्य दो कि देवी आज तू चिल्ला मैं शांत रहूंगा। ध्यान रखिए, एक बार तो मौका दो,
लेकिन नहीं देता। आदमी इतना होशियार है, रास्ते में चल रहा है, रुमाल गिर जाए पड़ोसी उठा के दे तो इतना खुश होता है, मैडम थैंक यू तुमने उठा, धन्यवाद। पड़ोसिन से इतने प्यार से पेश आते हो और रास्ते में चल रहे हो, पत्नी ने रुमाल उठा के दे दिया, मुंह से धन्यवाद नहीं निकलता तुम्हारे, तुम तो ऐसे पेश आते, कौन सा बड़ा काम कर दिया तूने, चल काहे को रहेगी तू पीछे कि मैं कब गिरा हूं और तू कब उठा के। बेचारी देती है तो सुनती है और नहीं देती है, रुमाल उठा के नहीं दे सकी। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने घर में यदि क्रोध से बचना है और भीतर का प्रेम प्रगाढ़ करना है, धन्यवाद देने की कला सीख जाइए। कोई अच्छा काम करता है तो धन्यवाद जरूर दो। बच्चा यदि आपने पानी मंगाया, एक गिलास पानी लाया तो धन्यवाद जरूर देना। ये मत देना कि कौन सा तीर मार लिया तूने, एक गिलास पानी ले आया, अपने आप को सहनशाह सुन, ऐसा उलाहना मत दीजिए मेरे भाई। बच्चे की पीठ तब दबाओ कि बेटा धन्यवाद तूने पानी। बच्चा सोचेगा कि जब गलत काम करता हूं तो पापा गाली देते हैं, गलत काम करूं तो मम्मी मारती है, लेकिन अच्छा काम करूं तो धन्यवाद देती है। बच्चा अच्छे काम करना सीख जाएगा, याद रखिए। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम बच्चे की कभी उत्साह वर्धन नहीं करते हैं। 90% अंक मार्क्स भी ले आए तो माँ बाप कहते कौन से अच्छे ले आया, अनजानवे लाना था। आदमी को तृप्ति ही नहीं मिलती है, फेल हो जाता तो मारते, यदि पत्नी गलती करती है तो 10 बार गालियां देते हो। मेरा आपसे निवेदन है, कभी अच्छा काम करे तो उसे धन्यवाद जरूर दिया करो, तुम्हारे घर बिखरने से बच जाएंगे। क्यों नहीं देते धन्यवाद, क्यों हम कंजूस हो जाते हैं, पड़ोस को धन्यवाद देते हैं। कुत्ते और आदमी में इतना ही अंतर होता है, ध्यान रखना, एक होता है कुत्ता और एक होता है इंसान। कुत्ता जो होता है वो अजनबी को देखकर भौंकता है, उन्हें काटता है, अटैक करता है, और परिचित को देखकर पूंछ हिलाता है। आदमी कुत्ते से बिल्कुल उल्टा होता है, ध्यान रखिए। ये अपरिचित को देख के तो पूंछ हिलाता है, परिचित पे दिन भर भौंका करता है, ध्यान रखिए। पड़ोसी की पत्नी से प्यार से बात करता है, अपनी पत्नी पर अटैक करने को तैयार रहता, कैसे घर बचेंगे तुम्हारे मेरे भाई। मेहमानों से इतनी सभ्यता से बोलते हो, अपने घर में एक सास पड़ोसिन की बहू को बेटा करके बोलती है और अपनी बहू से प्यार से नहीं बोलती है, ध्यान रखिए। जब बीमार पड़ोगी ना अम्मा जी, चाहे झुंझला के दे या गाली दे के दे, पानी तो अपनी बहू ही दिया करती है, पड़ोसी ना कर कोई पानी नहीं दिया करती है। अपना जीवन तो अपने ही घर के लोगों में कटेगा, पड़ोसी की प्रशंसाओं से कुछ नहीं होता है। अपने घर को अच्छा बना लीजिए, ऐसा बनाइए, इतना प्यार दे सासू अपनी बहू को कि बहू पीहर के मोबाइल नंबर भूल जाए, ध्यान रखिए। इतना प्यार तुम्हें देना चाहिए, और एक बहू अपनी सासू को इतना सम्मान दे कि गर्मी की छुट्टियों में तुम्हारी सासू बेटी के आने का इंतजार ना करे, वो कहे कि वो बेटी तो किसी और की है और ये बहू मेरी अपनी, ध्यान रखिए। छोटी छोटी बातें हैं जीवन की। मान्यवर सबसे बड़ी कला दे रहा हूं, कोई भी अच्छा काम करे, मैं किसी को कोई काम बताता हूं वो कर देता है तो मैं कहता हूं धन्यवाद, वो कहता महाराज कैसी बातें कर रहे हैं, आप धन्यवाद मत दो, आप आशीर्वाद दो। मेरे का ध्यान रखना, मेरी जिंदगी का उसूल है, नमन करेगा तो आशीर्वाद, काम करेगा तो धन्यवाद, ध्यान रखिए। मान्यवर आशीर्वाद तो सबको मिलते हैं, धन्यवाद सबको नहीं मिला करता है। धन्यवाद देने की कला सीखे। यदि आपने अच्छे कामों की सराहना नहीं की, आज चतुर्मास कमेटी में जो जो लगे हैं, यदि मैं इन्हें धन्यवाद ना दूं, मैं इनका उत्साह वर्धन ना करूं, तो इन्हें लगेगा कि 4 महीने हमने बेकार बर्बाद कर दिए हैं। मान्यवर मेरा धन्यवाद इन चतुर्मास कमेटी के आयोजकों को इसलिए रहता है,
कि मैं धन्यवाद देकर जाऊंगा तो इनके अंदर इतनी ऊर्जा जगेगी कि मुझसे भी ज्यादा ये आने वाले गुणियों का सम्मान करना सीख जाएंगे, आने वाले आयु। और यदि उनको धन्यवाद ना मिला, झिड़कियां मिली, अपमान मिला, टूट जाएगा आदमी। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है, घरों को नरक मत बताइए, रणभूमि मत बनाओ, रणभूमि बनाने का आप प्रयास करिए। लड़ाई झगड़े करो, प्यार के झगड़े करो, पत्नी ने 12 बजे रात को अलार्म बजा, पति को उठाया, सुनो जी, पति ने कहा क्या बात है, बड़े प्यार से बोल रही है, दिन भर तो बकबक करती रहती है। बोले सुनो। बोले क्या? बोले किचन में दूध रखा है। तो बोले कम वक्त चाय बनवाई क्या? बोले नहीं, जाके पी लो। अरे उसने कहा आज प्रेम कैसे बरस रहा है, किचन में दूध रखा, 12 बजे रात को तुझे हो क्या गया, बड़ा प्रेम प्रकट हो रहा है। बोले भाड़ में गया प्रेम। बोले क्या? बोले आज नाग पंचमी है, समझ रहे? तुम्हें पी लो, कहां सवेरे से मैं कहीं और देने जाऊंगी। विचार करिए, ऐसे झगड़े करो, मजे आते हैं। झगड़ा जरूर करो, लड़ो झगड़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसकी पत्नी गुस्से वाली नहीं थी? कालीदास की पत्नी, बाप रे बाप। तुलसीदास की पत्नी इतनी तेज तर्रार, संत तुकाराम की पत्नी इतनी तेज तर्रार। एक दिन गुस्सा आया पत्नी को, तुकाराम भगवान का भजन कर रहे, आई और एक घड़ा पानी ठंडा डाल करके चली गई। उसने कहा हे भगवान, अच्छी आंख खोली तूने, पत्नी के सामने जाके बोला देवी तू धन्य है। उसने कहा अभी पानी डाला और ये खेरा धन्य है, क्यों धन्य है? बोले अभी तक मैंने ये सुना था जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, तूने साबित कर दिया कि तू गरजती भी है और बरस। ये प्यार के झगड़े, ध्यान ये मनुहार के झगड़े, ऐसे मत झगड़ना कि एक पत्नी ने कहा हे भगवान, यदि आज मेरे पति ने ये काम नहीं किया, मालूम है क्या करना? उन्हें उठा लेना। ऐसे मत लड़ना कि आज पति ने ये काम नहीं किया तो उठा लेना, और कर दिया तो मुझे विधवा बना देना। नहीं आया समझ में? हर हालत में मरेगा तू ही रामलाल, ध्यान रखना। काम करे तो तू मरे और नहीं करे तो तू। ध्यान मान्यवर, आपसे निवेदन है, मनुहार हो, प्यार हो, टकरार हो, वो जिस प्यार, जिस लड़ाई में प्यार होता है ना, वहां बुरे शब्द भी बोल दो तो बुरा नहीं लगता है। दिलों के खेल में खुददारियां नहीं चलती, ध्यान रखिए। खुददारियां तो वहां चलती हैं जहां दिल नहीं मिला करता है। एक ही निवेदन मेरा आपसे है, एक ही सूत्र अपनाइए, जब भी गुस्सा आए, गुस्सा को कहना अभी मैं बहुत बिजी हूं, 5 मिनट बाद में तुझसे बात करूंगी। जब भी क्रोध आए 5 मिनट का पंचर कर दो क्रोध को। क्रोध को पंचर करना आता है? साइकिल को पंचर कैसे करते हैं बोलिए? एक साइकिल खड़ी है, पंचर करना है क्या करोगे? एक पिन चुहा दोगे ना, क्रोध की जब हवा दिमाग में भरे उसको पंचर कर दो थोड़ा सा। पंचर करने का मतलब है 5 मिनट बाद। ध्यान रखना, यदि क्रोध को 5 मिनट बाद बुलाया तुमने, क्रोध पंचर हो जाएगा, फिर तुम्हारे सिर पर कभी हावी नहीं हो पाएगा। मत करो क्रोध। आपसे निवेदन, मैं क्रोध करने का एक मुहूर्त देता हूं, ऐसी जैन से मिल लेना, मैंने उनको सिखा दिया है। क्रोध करने का एक अच्छा मुहूर्त देता हूं ज्योतिष से, सोमवार को क्रोध कभी मत करना, ध्यान रखना। सोमवार सप्ताह का पहला दिन है, पहला बिगड़ा तो सारे दिन बिगड़ेंगे। जैसे ही क्रोध आए कि आज सोमवार है मेरे भाई, कल आना। अब जैसे ही कल क्रोध आएगा मंगलवार को, तो कहना यार तू फिर आ गया क्रोध मेरे घर में,
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम बड़ी मंगलम पुण्य कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल भवने अमंगल हारी दशरथ अजर रिहार मंगल वाले दिन तू अमंगल करने की बात तू कलाना क्रोध यदि कलाया तो कहना आज तो बुद्ध है बुद्ध को तो शुद्ध रहने दे मेरे भाई गुरुवार को आए तो कहना आज गुरु का दिन है गुरु के दिन में क्रोध नहीं किया करती हो शुक्रवार को आए तो कहना शुक्रिया कल मिलेंगे और शनिवार को आए तो कहना शनिचर तेरे लिए हमेशा दरवाजे बंद है और रविवार को आए तो कहना आज छुट्टी का दिन है आज हम कोई क्रोध एक दिन तो छुट्टी मनाओ गुस्से की मेरे भाई रोज रोज गुस्सा रविवार की छुट्टी महाराज फिर हम कब क्रोध करेंगे सातों दिन तुमने निपटा दिए मेरे का जब अमृत सिद्धि नक्षत्र योग आए गुरु पुष्प योग आए अमृत सिद्धि योग आए ये महीने में कितने बार आता पंडित जी 6 महीने में एक बार कर दो इनका घर का बंटा था ये जो सचार ने पास कर दिया जब गुरु पुष्प नक्षत्र हो या अमृत सिद्धि योग हो तभी क्रोध करना जब क्रोध तुम्हें इतना अच्छा लगता है तो बताओ अच्छी चीजें अच्छे मुहूर्त में करना चाहिए या बुरे मुहूर्त में करना चाहिए अमृत सिद्धि योग में क्रोध करो 6 महीने में एक बार मौका दीजिए और जैन दर्शन भी कहता है 6 महीने से ऊपर क्रोध हो जाए तो अरंतान बंदी कसाय हो जाती है और वह जीव नियम से नरक गति का पात्र होता है 6 महीने से ज्यादा कोई भी कसाय तुम्हारे जीवन में नहीं होना चाहिए ये जैन दर्शन है और जब गुस्सा आए तो मां पे गुस्सा पापा पे गुस्सा मत करना क्योंकि लिखा है मातृ देवो भव पितृ देवो भव ध्यान रखिए फिर किस पे गुस्सा करोगे ध्यान रखिए पत्नी पे ना बाबा ग्रह लक्ष्मी है इसका मूड बदल जाए तो महिषासुर मर्दिनी रणचंडी भी बन सकती है लक्ष्मी को बैंड बजा के लाए हो माला पहना के लाए हो घर में आके आरती उतारी है जय लक्ष्मी भैया तू खुश रहेगी तो पूरा घरवार पत्नी पे क्रोध कभी मत करना पड़ोसी पे रामलाल दो थमा के रख देगा सब क्रोध करना भूल जाएगा पड़ोसियों पे क्रोध कभी मत करना फिर क्रोध किस पे करें ड्रेसिंग टेबल के सामने जाना और आईने पे क्रोध करके आ जाना चिढ़ाने का मन करे तो अपने आप को चिढ़ा लेना कमरा बंद करके तकिए की इतनी पिटाई करो लेकिन पप्पू की पिटाई कभी मत करना ध्यान रखिए एक बात अपने जीवन तकिया को मार लो फाड़ डालो रुई निकाल दो लेकिन बच्चे पर हाथ कभी मत उठाना तुम्हारा घर स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा क्रोध को दबा कर मत रखो क्रोध को निकाल दीजिए ध्यान रखना पड़ोसी क्रोध नहीं पचाएगा तकिया क्रोध पचा जाएगा मेरे भाई कितनी भी गुस्सा आए ज्यादा दिक्कत हो ना ज्यादा ही गाली निकले गुस्सा आए एक ज्यादा जोर से इसको मारना इतनी जोर से मारना एक चांटा बस याद रखना गाल पति का नहीं गाल अपना होना चाहिए तो इतनी जोर से अपने गाल में चांटे लगाओ कि तेरी जुबान में ये बद जुबानी कहां से आ गई और तेरे भीतर क्रोध कहां से पैदा हो गया अरे दूसरों को मारोगे तो आग भड़क जाएगी और अपने आप को मारोगे तो क्रोध तुम दबा कर भाग जाएगा वो तुम्हारे पास ठहरने को तैयार अपने गाल में चाटे मारो एक संत थे उन्हें बहुत क्रोध आता था 4 महीने उन्होंने क्रोध शांत कर लिया उन्होंने नियम ले लिया कि जब भी क्रोध आएगा अपनी गाल में जोर से चाटे मारूंगा एक नहीं जब तक ये चो शांत नहीं होगा मैं इस पर चाटे मारते रहूंगा ध्यान रखना क्रोध तुम करते हो सजा दूसरा भोगता है मैं कहता हूं खुद के कर्मों की सजा खुद को देना चाहिए और खुद से प्राप्त होना चाहिए दूसरों को क्यों सजा देते हो अपने क्रोध की सजा खुद पर दीजिए मान्य ध्यान रखिए समय आपका हो गया आप सबने सुना अनुभूत